बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तामल मा यली, ऑब्जर्व व्हाट इज बिलो, ऑब्जर्व इट। सो इस तरी इस तरह ही बाउट ही बाउट यश तरी ही बाइस Ishtari is buy. Okay. Become ishtaraita hadhihi saatu. Okay. Become ishtaraita hadhihi saatu. Hadhihi saata. Saata. Become ishtaraita hadhihi saata. For how much did you buy this watch? Okay. Mada turidu antashtariya fil maktabati. What do you want to buy in this in the library? From the library or from the bookshop? इसके दोनों मतलब हैं, मकतबा के दो मतलब हैं, एक लाइब्रेरी और दूसरा बुकशॉप। मकतब ऑफिस को भी कहते हैं, डेस्क को भी कहते हैं। ये मकतबा है, ये इसके दो मतलब होते हैं, लाइब्रेरी और बुक शॉप। टेबल और डेस्क अलग अलग वर्ड्स है अरबिक में। जी, टेबल के लिए वैसे एग्जैक्ट जो लफ्ज है वो है तावुला। तावुला, ठीक है। ओके, सो ला तश्तरी हादल मुजम Mujama. Okay. Don't buy this dictionary. Ishtari Zalika. Fa innahu ahsanu. Buy that because it's good. Qala ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah At-Tawbah. Okay, so innallaha ashtari. Okay, so indeed Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'mineen. Okay. So indeed Allah subhanahu wa ta'ala has bought from the believers anfusahum, their lives, wa amwalahum, and their maal, their properties, bi anna lahumul jannah, bi anna lahumul jannah, bi anna, for that lahum It. Okay, with that, lahum for them is paradise. ठीक, यानी कि जन्नत के बदले ये दो चीजें उनसे ले ली। ओके, नेक्स्ट। मैं इसकी मीनिंग लिख लेता हूँ। क्या मतलब है इस आयत का, वैसे कोई क्या मतलब ज़हन में आ रहा है? तो जो है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है फ़र्ज़ करें कि जो है सुब्हानअल्लाह जो जो शुहदा है या फिर जो उनकी जान और माल जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्बान कर कर जो है वो जन्नत जो है पाते हैं। फिर इसमें शुहदा लफ्ज़ क्यों नहीं लगा, मोमिनीन क्यों लगा? आई थिंक उसके बाद क्या है, जो शुहदा के बारे में बात होती है ना उसमें, तो इसमें जो है क्यों, अच्छा क्यों जो मोमिनून मोमिनीन का, तो जी क्योंकि जो है ये जो है सुबहानल्लाह, अगर जैसे कोई भी जो है नफ्स जो है अगर आप जो है अपनी जान और माल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लगा दें, आपके नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी हो जो है आप जोहद करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में। और इसमें एक और भी है, दीज भी है कि हम, यानी कि जो हमारे मुसलमान में फ़र्ज किए हैं
कि अपनी जान और अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत करे वो अल्लाह ताला से, पहले अल्लाह से फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उस के सेंस में भी इसका मतलब किया जा सकता है कि हमने अपनी जान और अपनी माल अल्लाह से जन्नत के बदले में कर लिए, अब हमें अपनी जान और माल की परवाह नहीं है। ओके नेक्स्ट जो है मा अना बिगाफिलिन हाजिही मा अन्नाफ नाफिया, नाफ नाफिया पता किसे कहते हैं? जो फायदेमंद ना हो नफा ना दे हो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव माँ नेगेटिव है, यानी कि मनफी जुमला शो करने के लिए, नेगेटिव जुमला शो करने के लिए। ओके वहिया मिन अखवाती लैसा तदखुलु तदखुल अलल जुमलतिल जुमलतिल इस्मिया फतरफउल इस्मा वतनसिबुल खबरा वतुसम्मा मल माल हिजाज हिजाजिया और मल हिजाजिया भी कह सकते हैं। माल माल हिजाजी या नहु मा हाजा बशरन कुछ समझ आई? मा आना बिगाफिलिन तो जो है आई एम नॉट द वन मैं गाफिल में से नहीं हूँ सो आई आई एम एम नॉट नॉट अनफेयर, आई एम नॉट अनअवेयर। आई एम अनअवेयर ठीक है हाजी मा नाफिया सो दिस इज नॉट दिस इज मा नेगेटिव, हाज ही मा, ये जो मा है ये नाफिया है, यानी कि ये मा नेगेटिव है, दिस यानी नेगेटिव जुमला शो करते मतलब देते हैं हमें। नट माँ के बहुत सारे मतलब पढ़े ना हमने, सही ये है जो ओके माँ है ये नेगेटिव वाला माँ है। दिस मॉ इज नेगेटिव ओके वहिया मिन अखवाती एंड इट इज फ्रॉम दी सिस्टर ऑफ लाइसा हाँ ठीक है, सिस्टर ऑफ लाइसा ओके नेक्स्ट तदखुल अलल जुमलतिल इस्मिया सो यू एंटर और यू राइट इट यू सो यू एंटर इट इज एंटर्ड अमॉन्ग दी जुमलल इस्मिया सो इट इज अमॉन्ग द जुमलल ये जो इस्मिया है ना यहाँ पे ये मजहूल लगा हुआ है, तुदखिलू, इसको दाखिल किया जाता है। हमें नहीं पता कि कौन दाखिल करता है, बस हमने कह दिया इसको दाखिल किया जाता है जुमले इस्मिया पर। इट इज एंटर्ड अपॉन जुमल इस्मिया ओके फतर फाउल इस्मा वतनसिबुल खबरा फतर फाउल सो इट रिमूव्स दी सम एंड देन तरफ का मतलब होता है मरफू कर देता है, ये जो ओके इसम होता है यानी कि जो उसका मुब्तदा होता है उसको ये मरफू कर देता है, और जो उसकी खबर होती है उसको ये मंसूब कर देता है। लैसा के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो अपने इसम को वो मरफू कर देता है और ख़बर को मंसूब कर देता है, वही चीज़ है यहाँ पे भी है कि ये जो माँ है ये उसकी सिस्टर है, इसलिए ये भी उसका जो इसम होगा माँ का उसको ये मरफू कर देगा और उसकी जो खबर होगी उसको मंसूब कर देगा। सो एंड इट इज कॉल्ड मा अल हिजाजिया अब माँ, बहुत सारे माँ हमने पढ़े थे, उनमें से ये जो माँ है इसको हम माल हिजाजिया कहते हैं। ओके सो फॉर एग्जाम्पल मा हाजा बशरन सो दिस इज नॉट अ मैन ठीक है,
वक़द यक़्तरिनु ख़बरुहा बिलबाइ ज़ाइदा सो वक़द यक़्तरिनु सो एंड खत का मतलब क्या है? पास, उर्दू में कहते हैं पास। ओके ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है और उसका कोई मतलब नहीं होता। बस भी कह सकते हैं, पास ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है ताकीद के लिए। ठीक अच्छा एंड हेंस ओके वैसा हाँ और नहीं है, वो यकतरीन का कहते हैं जोड़ना। ओके हेंस इट इज एडेड हैंस इट कैन बी कपल्ड, ओके इट्स इट्स खबर कैन बी कपल्ड विद बा उ ज़ाइदा, एक्स्ट्रा बा। हेंस खबर कैन बी कपल्ड विद एक्स्ट्रा बा अब एक्स्ट्रा बा से बना दिया है कि उसका जो मतलब होता है ना, उस बा का कुछ नहीं होता, बस उसको इस्तेमाल करते हैं। या फिर जर अक्सर इनमें से हम हरफ़ ज़ायदा इनको कहा जाता है, तो जब भी हरफ़ ज़ायदा इनको कहा जाए तो उसका मतलब होता है कि उसका मतलब जुमले में कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक ओके नहु وَمَلَّاهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ And Allah subhanahu wa ta'ala is not unaware of what you do. वाट यू आर डूइंग। ओके, तो बस फ़र्क क्या है, जब हरफ़ ज़ायदा लगाएंगे बा वाला तो ये मजरूर हो जाएगा, जब हरफ़ जर नहीं होगा तो ये मंसूब होगा। बस मतलब दोनों का सेम ही रहेगा। اقرأ المثال ثم أدخل ما الحجازية على الجمل الآتية So read the example Then enter ما الحجازية on on the following examples, for the following examples. Following sentences. Then enter jumla is in the following sentences, on the following whatever. यहाँ पे अला का मतलब on the होगा. बिल्कुल on. अंत मुज्तहिदुन You are mujtahid, hard working. Hard working. Ma anta mujtahidan. Ma anta mujtahidan. You are not hard working. Next. Ma anta bimujtahidin. You are not be okay. यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, इसमें बी का कोई मतलब नहीं है, बा ज़्यादा है। अच्छा ठीक है ये और वो माँ अंतम मुज्तहिदन और माँ अंतम भी मुज्तहिदन सेम है ठीक है बिल्कुल सेम है, कोई मसला ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अन कारियन और हमारी साइटर मा अना कारियन ठीक है, कारियन है या और लास्ट में अलिफ आ जाएगा ना बिल्कुल और जो या पे तजदीद आ जाएगी ठीक। मा अना बिकारियन ये लिख दूँ आपको फिर से, ये क्लियर हो जाएगा, ऐसे वैसे जबानी समझ नहीं आएगा। कारी, अब यहाँ पे आता है वो हमज़ा वलिया, ठीक है, और यहाँ पे आ गई फतह।
మా ఓకే నహను తుజ్జారున్ వీఆర్ మర్చెంట్స్ మా నహరు తుజ్జారన్ మా నహను తుజ్జారన్ ఠీక్ నెక్స్ట్ మా నహను బి తుజ్జారన్ ఠీక్ నెక్స్ట్ హువా ఖరీబున్ ఈజ్ నియర్ or it is near either way ठीक ma huwa qareeban ठीक qareeban okay qareeban ma huwa bi qareeban ठीक है नेक्स्ट हाथी मुजारेल अफाल आतियती अफाल आतियता अफाल आतियता ओके सो ब्रिंग फेले मुजारे इन द फॉलोइंग यस ब्रिंग द मुजारे ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स फेले लाते ब्रिंग मुजारे ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स ओके kafala is yakfalu kafala yakfulu yakfulu okay. so kafala is kifayat karna to kafalat karna jaise aap dono bhi bachon ki kafalat kar rahe hain theek hai iske liye kafalat hota hai इसमें गार्डियन का उसका मतलब मेंटरशिप ओके इंग्लिश में कोई और लफ्ज है इसके लिए कस्टोडियन गारंटीज कस्टोडियन हां कुछ भी केयर टेकर केयर टेकर भी शायद हो ऐसा कुछ लफ्ज है यानी कि आप मसाल मुझे मसाल है इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि आपके दो बच्चे हैं अभी आप दोनों उनकी कफालत कर रहे हैं कफालत से मुराद है आप उनका खर्चा पानी तालीम जो भी उनकी जरूरत है वो आप पूरे कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उन दोनों की कफालत कर रहे हैं ठीक है गाफिल का मतलब इग्नोरेंट अनअवेयर अनअवेयर He was unaware. So yakfulu will be he is unaware. ठीक है. फलक हमने पढ़ा था ना अल्लाह फालिकु वाला मतलब है स्प्लिटर फाड़ने वाला जब वो सूरा है कुल औजु बिरबिल फलक ये है वो और है स्पेलिंग यही फलक ही है हाँ लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है वो वहाँ पे इसम है ये वो चीज़ है वो चीज़ है ये जो फला का इसका मतलब है फाड़ने वाला ये उसके लिए हमने इसमें पढ़ा था हमने जो जो होते हैं बीज वगैरह इनको फाड़ने वाला यफलुकु फला का यफलीकु यफ इसमें दम्मा नहीं आ रहा है लाम कसरा है इसमें यफलीकु असिफा मीन सॉरी असिफा विल बी यस यसिफु ठीक है यसफु चलो यसफु यसफु या यसिफु सा है यसफु सफ़ू या और आइन हाँ या हमजा
अलिफ अली हमजा, या सी या साफू। नेक्स्ट नहरा यन यनहरु, ठीक है, अवाबरा अवाबर अब अबर क्रॉस करना या कैरी करना, दोनों मतलब है इसके। क्रॉस और कैरी, अबरा इज या बरा या बरु या बरु या बुरु, ठीक है, या बुरु। या गुरु। नहरा का मतलब फ्लोइंग, हाँ नहीं, ये जो नहारा है ये वो है रिव्यू करना, कोई ओके फर्ज होता है फकीर बना के पैसे मांगता बंदा आगे से चढ़क दे उसको, तो ये वो नहारा है, रिव्यू करना, चैट करना। नेक्स्ट वर्दा, वर्दा फ्लावर, रोज फ्लावर। वो होते इसम होते हैं, वरदुन, ये फेल है, वरदा वो आया, यानी किसी चीज में आया, लेसन में कोई लफ्ज आया तो हम उसके लिए कहते हैं वरदत, इट केम इन द लेसन, इट वाज मेंशन इन द लेसन, इस ना। तो ये क्या है, यव यव रदु, इसमें वो जो है ना यार फेलर डिलीट हो जाता है मुजारे में, या रिदू हो जाएगा। यारिदु अबरा का जो है या बिरु, हाँ या बुरु, रान या फिर रू ठीक है, या फिर रो आगे। बाद सबका यस बकू यस बिकू, तो इसमें जो लास्ट बट वन लेटर में जबर या पेश आने का कुछ रूल है कोई रूल लेकिन नहीं है, ये बस अच्छा ग्रुप्स होते हैं, 10-12 ग्रुप्स हैं, वो इसी तरह बस याद ही करने पड़ते हैं, वेल उन ग्रुप्स का भी कोई फायदा नहीं है। सलाखा यस लिखू, यस लुकू, यस लिखू, ओके लेकिन में एक और चीज भी होती है, फर्श किया अभी हमने कहा ना यस लुकू पढ़े, ठीक है, बाद जो वो भी सब होता है, यस लिखू भी ओके कर देते हैं, कोई इतना इशू नहीं करते इस पे, ये इन सब का ये सिस्टम है, जो बीच में जो है ना हरकत, वो अगर थोड़ी वो चेंज भी हो जाए तो इतना इशू नहीं करते टीचर्स अमूमन, और ख़ास तौर पे जब पेपर वगैरह हम लिखते हैं तो उसमें तो हम ये हरकत लगाते ही नहीं है बिल्कुल, बगैर हरकत के लिख देते हैं बस, तो और आसान हो जाते हैं। सो सबका इज प्रीसीडिंग, हाँ ही प्रीसीडेड, ठीक है, और सलाखा ही बॉइल्ड, बॉइल्ड, अच्छा बॉइल्ड। इसके बाद हाथी जुमलल अस्मा अस्मा अल आतियता, जमा आ जम अल अस्मा इल आतियती हो जाएगा, क्योंकि मुसाफ मुसाफिले बन जाएगा, जम इल सॉरी हाथी जम अल अस्मा इल आतियाती, हाथी जम अल अस्मा इल आतिया, मुजाब मुजाफिले बन गया, आते का मतलब ब्रिंग देन जमल ठीक अस्म, ब्रिंग द प्लूरल, ठीक है, ब्रिंग द प्लूरल ऑफ अस्माइल आती है द कॉल फॉलोइंग नाउंस, कॉलिंग नाउन, चल ठीक है, प्लूरल होता है। ठीक यतीम, यतीम है है, ऑर्फन को कहते हैं, इसकी जमा क्या होगी, यतीम का यतामा, मीम यतामा के मकसूरा, यतामा यतीमा और वो ये क्या है कुफल, कुफल के
कुफल कहते हैं लॉक को, इसकी जमा होती है अकफाल। अकफाल इज द प्लूरल। जी हतुन। जिहतन है डायरेक्शन। डायरेक्शन होता जिहातुन। ठीक है, जी हाँ, तो उन सही है। जिहातुन उसके बाद आबिद। आबिद ठीक इज है, वर्क इबादत गुजार। ठीक है, वर्षी पर इसकी जमा क्या हो गई? आबिदुन। आबिदून। ठीक हो गया। नेक्स्ट। अल इनहामो ये अल छंद से इबहाम। इब हम इबहाम। यस, अल इबहाम इंडेक्स फिंगर है ने थम है हमें इबहाम कहते हैं थम को, ये थम है थम उठा। थम इज अल इबहाम। उसके बाद अनमुला तू उन, या हमजा के ऊपर दम है, उन मोला तुन। उन्मूलतुन। उन्मूलतुन इंडेक्स फिंगर फिंगर टिप, जो उंगली का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है ना, ये जो लाइन सी लगी होती है उंगली में, उसकी जो फिंगर टिप होती है, उसको आप कहते हैं उन्मूला। ये और उंगली ये की लाइन है ना, इससे आगे आगे उन्मूला। फिंगर टिप। अच्छा ठीक। देन असबाबतु। सबाब तो इसका नाम है इंडेक्स फिंगर। बिल्कुल, असबाबा इंडेक्स फिंगर। उसके बाद अलवुस्ता मिडिल फिंगर। अलवुस्ता अल इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अल्बिनिस। उसके बाद अल अलबिनसेरु बिनसेरु ठीक है, फिंगर। कौन सी फिंगर? रिंग 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 फिंगर। फिंगर। ठीक है, अल खिनसिरु खिनसिरु लिटिल फिंगर। ठीक है। इसको मैं ऐसे कुछ और भी नाम कहते हैं इंग्लिश में, पोनी फिंगर शायद ऐसा कुछ नाम है, या पिंकी फिंगर। हाँ पिंकी फिंगर। पिंकी। आगे एक और लफ्ज़ भी है इसमें, अराहतु। ठीक है, अराहतु मतलब ये हथेली। हथेली, पाम। ठीक हो गया। अदरसुल खामिस, फिफ्थ लेसन है ये, इसको नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, अभी हम आ जाते हैं होली कुरान पे। तो जो हमने पिछली पांच आयत याद की थी, वो आप दोनों को जुबानी याद है ना? ठीक, जी एक दूसरे से सुनी है? कभी नहीं सुनी? इस तरह आप दोनों याद से एक दूसरे से सुन लेना। फर्ज किया एक बंदा कुरान अपने आगे रख के खोल के, और दूसरा जुबानी तलावत करें, तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। ठीक हो गया? ओके, जी इंशाल्लाह। अब आगे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह करें मुझसे, मुझे छः और इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अन्ज़र्तहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना इन्ना इज़ इंडीड अल्लज़ीना कफ़रू दोज़ हू डिसबिलीव सवाउन अलैहिम इट इज़ द सेम सवाउन अलैहिम फॉर देम अनज़रतहुम। अलैहिम अपॉन देम। वैसे अपॉन देम होता है, या पे ही मतलब होगा टू देम, अच्छा और सवाउन फॉर देम भी। ठीक सवाउन इज़ इट द सेम राइट सेम। ठीक है, द सेम फॉर देम अपॉन देम। ठीक है अनज़रतहुम इफ़ यू वॉन्ट देम। ठीक है। अब इसमें वॉन वाला लफ्ज कौन सा है? आंजरता हूँ मैं, नजर नजर अनजर, अनजरा फेल होता ही है। ठीक है, जो शुरू में हमजा है वो तो होगी सवाल के लिए, फिर लफ्ज है अनजरा,
हमजा हमजा जी। का, हमजा का मीनिंग क्या है जो आसाम में आता है? अच्छा कौन सा वाला हमजा? जैसे अनसरतम, ठीक है, तो ये जो हमजा है ये हमजा भी हमने ग्रामर में नहीं पढ़ा, ये अभी उसका मतलब वही होता है जो हमजातुल इस्तफहामिया का मतलब होता है जो आपने दुरुस्तुल लुगतिल अरबिया में पढ़ा था, ये सेम चीज़ वही है। ठीक है, ये वो ला हमजा है, आप इस पर ला जैन में कहा दें। आगे अनजरा का मतलब होता है वान, और ता से मुराद जोसम हो गया, और हम से मुराद वो जिन्होंने कुफर किया। ठीक हो गया, चलें आगे। हम लम और यू डोंट और डोंट यू डू नॉट ठीक है ठीक तुंजिर हम वॉर्न देम यू है, डोंट डोंट वॉर्न। तुंजिर में ये कौन सा है? पास मजहूल है तुंजिर। नहीं ये मुजारे है, सिंपल मुजारे जो होता है ये वो है, लम की वजह से फिर इसके आखिर में सुकून आ गया, लम ने अच्छा, इसको मजजूम कर दिया। और ये ता के ऊपर जो ये पेशा यू ये जो होता है फिर मुजारे के बाज़ अफ़ाल होते हैं जिनके ऊपर पेश आता है शुरू में। ठीक है, एक तो मजहूल होता है वो अलग है, ये अलग है, बाज़ अफ़ाल होते हैं मुजारे के जिनके शुरू में दम्मा आती है। ठीक। ला यूमिनून वो लाइज वोंट बिलीव। दे वॉन्ट बिलीव। ठीक है, अब पूरी जुमले का गठा तर्जुमा कर देंगे। إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Indeed, those who disbelieve, سواء it is the same عليهم, it is the same for them or upon them. أنذرتهم whether you want them or you don't want them, they will not believe. So indeed, those who disbelieve, it is the same for them. If you want them or you don't want them, they will not believe. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله, Allah subhanahu wa ta'ala has put a seal على قلوبهم upon their hearts وعلى سمعهم and upon their hearing, wa ala absarihim and upon their vision, ghishawa is a veil, wa lahum adhabun azim and wa lahum adhab for them is a severe punishment, adhabun great punishment. ठीक हो, तो ये दोनों आयात आपको याद हैं? हाँ ठीक है, मिसन आपको याद तो नहीं है। चले आप याद कर लेना। ठीक है, टाइम निकालना कोशिश करना, कोई बेहतर ही होता है अगर हर नमाज के बाद ना मोबाइल वगैरह में रख लें यही कुरान, और बंदा खोल के हर नमाज के बाद पढ़ता रहता है तो 5 दफ़ा दिन में बंदा ये पढ़े तो आसानी से याद हो जाती है। एक तो मैक्सिमम एक दिन में ही याद हो जाएगी, अगर ना भी हो तो 2 या 3 दिन में मैक्सिमम हो जाती है अमूमन। तो मेरा मशवरा ये है कि आप मोबाइल में रख लें कुरान, जब नमाज पढ़ें उसके बाद जेब से मोबाइल निकाला और देख लिया इसको, एक दफ़ा पढ़ लिया या 2 दफ़ा पढ़ लिया या 3 दफ़ा पढ़ लिया तो इस तरह करके याद हो जाता है। ओके कोई सवाल? नहीं अब आते हैं सही अल बुखारी। ठीक है, कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन किताब सही अल बुखारी है, इसके बाद बिस्मिल्लाह करते हैं हम, यहाँ से बिस्मिल्लाह करें। كتاب بدأ الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدل وحي. بدأ الوحي. بدأ الوحي. كتاب بدأ क्या मतलब क्या है? بدأ का मतलब होता है शुरू होना। ओके. तो क्या मतलब होगा इसका? पदावल वही तो जो है रेवलेशन है, ठीक है, तो क्या तो मतलब बना इसका? द स्टार्टिंग रेवलेशन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ रेवलेशन। स्टार्ट ऑफ रेवलेशन। इमाम
नहीं, ये किताब सही बुखारी है, इसको उन्होंने बहुत सारे किस्म के आप कह सकते हैं बनाया। यूनिट्स होते हैं ना किताब के अंदर, यूनिट्स, यूनिट्स का पता है ना, हाँ यूनिट्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, एक यूनिट के तमाम चैप्टर्स का एक टॉपिक होता है, और इसी तरह वही सिस्टम उन्होंने किया इमाम बुखारी ने, अपनी किताब को यूनिट्स में तकसीम कर दी है, और हर यूनिट को उन्होंने नाम दिया है किताब का। तो ये जो यूनिट है इसका नाम है बदा उल वही, यानी कि इसमें जो जितने भी चैप्टर्स होंगे इसके, वो सब के सब का ताल्लुक स्टार्ट ऑफ वही से होगा, ठीक है। ओके सवाई पहली आती है इसके, क्योंकि उन्होंने वो किताब के लिहाज से रखी है, बाकी सब का ताल्लुक इससे होगा। अच्छा जी, आगे। ये आपको उर्दू पढ़ना काश आती है नहीं आती वैसे? किताब वही के बयान में। अच्छा, ठीक है, उसको वैसे इग्नोर ही करें तो बेहतर है, वैसे हदीस में मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ा तो साइड पे कर दूँ तो बेहतर है। अच्छा, आगे। काल शेखुल इमामुल हाफिजु अबू अब्दुल्लाही मुहम्मद इब्नु इस्माइल अबनी इब्राहिम अबनिल मुगीरा मुगीरतिल बुखारी रहिमहुल्लाह तआला आमीन। इसकी कोई समझ आई? जो बेसिकली उनका नाम है एक उनका किस्म, नाम है हाँ और बाकी उनके लिए कुछ एक किस्म के आखिर में दुआ भी है, और बाकी उनका शजर ये सब भी बीच में लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो इनके इमाम बुखारी ने कहा। अच्छा जी, अब पहला चैप्टर है, बाब का मतलब है चैप्टर, समझे आप? तो बाबू पकाना बदउल वही वही इला रसूल इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द फर्स्ट चैप्टर काना इसका क्या कैफा मतलब है? कैफा हाउ, हाउ ओके कैफा का मतलब है हाउ। सो द फर्स्ट चैप्टर कैफा काना बदु हाउ इट शोज रेवलेशन हाउ इट्स नहीं कान जो होता है वो जुमले को का मतलब माजी में कन्वर्ट कर देते हैं। बदा उल वही का मतलब है स्टार्ट ऑफ वही, रेवोल्यूशन ठीक है। हाउ द रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड, कैफा काना बद उल वही, हाउ द रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि और ऑन द टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ द रेवोल्यूशन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टार्टेड। ओके, इसी लाइन को मिसना एक दुआ पढ़ें जरा। बाबू कैफ़ा काना बदो उल वही इला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो बाबू मींस चैप्टर चैप्टर, ठीक चैप्टर है। कैफ़ा हाउ काना वॉज बदो उल वही स्टार्टिंग ऑफ वही सो How was the way started? हाउ वॉज द वही स्टार्टेड इला ऑन द To प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam। Okay, ठीक हो गया। अब आगे ये ग्रीन लाइन पढ़नी है हमने। وقول الله جل ذكره ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقول الله جل ذكره and it is statement said and statement statement of Allah, statement of Allah subhanahu wa ta'ala zikruhu जल्ला का क्या मतलब होता है? जल्ला इस प्रेज नहीं प्रेज वही तो नहीं होगा जल्ला का मतलब होता है बुलंद हो, अच्छा एक दुआ होती है ये भी, बुलंद हो, जिक्र हो,
उनका जिक्र, यानी कि हम कहें अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के स्टेटमेंट फिर साथ हमने अल्लाह के लिए किया कि उन अल्लाह का जिक्र बुलंद हो। इन्ना ओहैना, इंडीड ये अरबी का तरीका है कि बाद में वज़न पैदा करने के लिए अपना को जमा में कर देते हैं। हम वैसे कहते हैं ना उर्दू में, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हम अरबी में कहते हैं हमने ये किया, बाद में वज़न डालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल किया, इन्ना ओहैना, इंडीड वी हैव रिवील्ड, इन्ना ओहैना, इंडीड वी हैव रिवील्ड अलैका अपॉन यू और टू यू। ठीक है, यू कमा औहैना इला नूहिन वन नबीयीना मिन बादिही एंड वी डिड नॉट रिवील हाँ नहीं, वी हैव रिवील्ड टू यू लाइक वी हैव रिवील्ड टू द प्रॉफिट नूहा एंड प्रॉफिट्स आफ्टर हिम। अच्छा, यहाँ पे वैसे ये तजवीद का होता है, वैसे हम तो खैर हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब बा के साथ नून साकिन हो तो यहाँ पे हम मीम नू मीम पढ़ते हैं, मीम बाद ही नून साइलेंट हो जाता है। चलो खैर है उसकी, ओके मिसना आप इसको एक बार पढ़ लें। وقول الله جل ذكره سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیٹ ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا indeed اَوْحَيْنَا we have revealed اِلَيْكَ upon you kama like اَوْحَيْنَا we have revealed إِلَى نُوحٍ to نُوح علیہ السلام وَنَبِيِّينَ and messengers prophets prophets min badi after him okay so yahan pe isme which one one nabiyina nabiyina plural hai bilkul bilkul nabiyina prophets plural hai ye fijr ki wajah se majroor ho gaye sare acha ji आप में से कहते हैं पूरा हवाला पढ़ने की मेरे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अलकमा तब न वक़ा से लई सी यकूल हो, अलकमा रजी अल्लाह अनु फरमा रहे थे कि समी तो आई हैव हियर्ड, तो इस तरह शुरू कर दें यहीं से। ओके यकूल समी तो उमर अब نل خطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Okay. So عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول said narrated that he heard from the Prophet صلى الله عليه وسلم on the member call us is sallallahu alaihi wasallam saying yaqulu innamal a'malu binniyat innamal a'malu the amal the deeds deeds depend on the intentions theek hai wa innamal likulli imrin wa innamal likulli imrin ma nawa And verily, equally for each. For each imra person, huh? Man. Man, okay. Imra. For each man, manava imra, is a reward. Imra to female,
वो इमरातुन होता है, ये दूसरा लफ्ज़ इसके स्पेलिंग डिफरेंट है। अच्छा उसमें ता मरबूता होता है इमरातु। बिल्कुल, हमजा के बाद ता मरबूता आ जाता है। ओके सो इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंडीड एवरी सो इंडीड एक्शंस अल आमाल इज एक्शंस राइट The और action, the deeds, ठीक है। द एक्शन द डीड्स बिन्नियात डिपेंड एसेंशियली इसका बिन्नियात का मतलब लफ्जी मतलब क्या होगा क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन लेकिन जो है लफ्जी मतलब बिन्निया अच्छा, बी तो होता है हर्फ जर, इसका मतलब होता है ऑन, विद, इन, ये सब इसके मतलब होते हैं। यहाँ पे हम मतलब कर देंगे ऑन, और ठीक ऑन है। द इंटेंशन और ओके ओके निया, इसका नियात की जो वाहिद होता है वो है निया, निया का मतलब होता है इंटेंशन, उसकी जमा है इंटेंशंस, तो यहाँ पे जमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वह इन्नमा लिकुल्ली इंडीड एवरी पर्सन और मा ईच नवा पर्सन, ठीक है, फॉर ईच पर्सन मा नवा इज अ वट रिवॉर्ड मा वट व्हाट नवा ही इंटेंडेड, हर बंदे के लिए ओके वही है जिसकी उसने नियत की है। अच्छा मा नवा व्हाट ही इंटेंडेड फमन कानत सो फमन कानत सो वन ओके फॉर द वन फमन कानत फॉर द वन है पूरा अच्छा, तो हिजरतु जो कान आता है ये हिजरा के लिए की वजह से इसके ऊपर तास्कून आ गया। वैसे मर्द के लिए हम कान इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे लफ्ज हिजरा है, वो हिजरा मोनस है, उस वजह से हमने कानत लगाया। फमन कानत हिजरतु इला दुनिया सो फमन का मतलब क्या सो हूएवर हाँ सो द वन हु, ओके द सो द वन वन हुज, कानत द वन हु गोज इमिग्रेट्स सो वन हिजरतु हुज इमिग्रेशन वाज, ओके सो द वन हुज इमिग्रेशन वाज इला दुनिया फॉर द वर्ल्ड युसीबुहा युसीबु, युसीबु का मतलब होता है अर्न करना, हासिल करना। ओके सो टू अर्न द दुनिया टू अर्न द वर्ल्डली लाइफ ठीक, औ अला औ इला सॉरी औ इलम रातिन वेरस और अच्छा और और फॉर फीमेल टू अ वुमेन, और टू अ फीमेल, और टू अ फीमेल यन की हुआ टू मैरी हर। टू मैरी हर और फॉर अ वुमेन टू और टू अ वुमेन टू मैरी हर फहिजरत हु सो हिज इमिग्रेशन ठीक है, इला फॉर मा हाजरा फॉर वॉट हाजरा इलेही फॉर वॉट इमिग्रेटेड फॉर, हाजरा का मतलब है उसने हिजरत की, इलेही उसकी तरफ, यानी कि समझिए इसका मतलब ये है कि पहले जो उन्होंने कहा कि अमाल का जो दारोमदार है वो नियत पर है, हमारी इंटेंशन पे है, जिसकी हमारी नियत होगी उसी के मुताबिक हमारा अमल लिखा जाएगा। अगर किसी आदमी ने हिजरत, अच्छा वही नंबर लिखो ली नहीं, ठीक है, और हर बंदे को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की है, उसी के मुताबिक उसका अमल फरिश्ते लिखेंगे। अब फर्ज किया किसी ने हिजरत की ताकि वो दुनियावी तौर से माल हासिल करें, कमाई करें, तो उसका जो अमल वहाँ पे लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि इसने हिजरत माल हासिल करने के लिए की है, कोई इस्लाम की खातिर नहीं की बल्कि माल के लिए इसने हिजरत की है। दूसरा, अगर किसी ने या फिर किसी आदमी ने नियत की है किसी किसी औरत से जाके निकाह करने के लिए, तो उसका अमल भी वही लिखा जाएगा कि इसने जो हिजरत की है अपनी औरत से निकाह करने के लिए की है, बल्कि इस्लाम की खिदमत के लिए नहीं की है, बल्कि इसकी इंटेंशन थी निकाह करने की। उसमें कोई गुनाह नहीं है, वैसे ये लिखा हुआ है कि उसका अमल जो लिखा जाएगा वहाँ पे ये लिखा जाएगा कि इसने निकाह किया है, करने के लिए हिजरत की है। फ़हिजरतुहु इला मा हजरा इलैही, बस उसकी हिजरत उसी तरफ होगी जिसकी तरफ उसने नियत की, यानी कि आप फरिश्ते उसका वही अमल लिखेंगे जो उसके जहन में उसकी नियत है। ओके, कुछ सवाल? नहीं।
ठीक है। अब ये जो हदीस उन्होंने इसलिए यहाँ पे लिखी है इमाम बुखारी ने, कि वैसे तो ये चैप्टर हदीस उसके है, वही के मुतालिक है, लेकिन उन्होंने ये हदीस इसलिए यहाँ लिखी है ताकि हम अपनी नीयतें सही कर लें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ओके, इसके पीछे एक वाक्या भी है, वो इस तरह था कि एक जब हिजरत हुई मक्का से मदीना की तरफ, उसमें एक कुछ साहबा ने कहा कि फलाने बंदे ने जो हिजरत की है वो इस वजह से नहीं की कि इस्लाम की वजह से की है, बल्कि उन्होंने एक औरत से निकाह करना था, मदीना की एक औरत से शादी करनी थी, तो उस वजह से वो उधर छोड़ के आ गए इस्लाम को। तो उस टाइम पर यह हदीस भी आई थी। जी मिसा ना पढ़े, नेक्स्ट वाला पढ़ना इसी को पढ़ें आप। है, उसी को पढ़ना इन यखोलू यखोलू ही सेड इन्नमा आमालु बिन नियाती इन्नी आमालु योर डीड्स बिन आर बेस्ड ऑन योर एक्शंस व इन्नमा एंड इंडीड इन द माइस इंडीड वॉट Was in the mind indeed verily for each man. And indeed, for each, likulli for each, amris, Man. for each Man. man. Okay, man, ma, what, na, wa, He intended, जिसकी उसने नियत की। intended. Faman is, and who, kanat was, hijratuhu, who migrated ila. इमिग्रेशन, दुनिया टू और फॉर दुनिया ठीक है, यूसी बुहा इस सो डेट ही कैन अर्न इट। सो ओ यूसी बुहा इसका रूट वर्ड क्या है यूसी बुहा असाबा युसीबू, युसीबू का मतलब होता है हासिल करना। हाथ जो है ये दुनिया के लिए इस्तेमाल है क्योंकि दुनिया मोनस लफ्ज है। सो दैट ही कैन अर्न इट आउ और इला इमरातिन और टू इमरातिन यन की हुआ और टू मैरी अ वुमन हिजरत हु सो ही माइग्रेटेड इला टू माइग्रेशन इज फॉर व्हाट फॉर ही व्हाट मा व्हाट इंटेंडेड, हाजरा इलाही फॉर व्हाट ही हाजरा इज फॉर ही माइग्रेटेड फॉर ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे फिर, ठीक। ओके इंशाल्लाह इस बार जज़ाकअल्लाह अभी आप दोनों हैं अवेलेबल डायलॉग करने में, ख्याल से डायलॉग तो नहीं किया ना अभी हमने। नमाज के अभी निकले हैं चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ओके